नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 29 चैनल पे। इस वीडियो में आप सभी को असम पुलिस का जो जेल वार्डर का जो फॉर्म फिलअप हुआ था कुछ दिन पहले, उसका एडमिट कार्ड कब आउट होगा वो मैं बताऊंगा, और आपको कैसे तैयारी करना है इसके बाद उसके बारे में बताऊंगा। तो एडमिट कार्ड आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर आउट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपका पीटी और पीएसटी दोनों होगा। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कन्फर्म कर सकते हैं, मैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कन्फर्म किया हूँ। तो ये हेडक्वार्टर का ऑफिस है, हेडक्वार्टर ऑफिस का नंबर है असम पुलिस का, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। असम पुलिस का वेबसाइट से मैं लिया हूँ, वहाँ से जाके आप भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप नोट डाउन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार उन लोगों ने बताया कि असम पुलिस का जो जेल वार्डर का एडमिट कार्ड है अगस्त का लास्ट वीक तक इशू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, तो जब एडमिट कार्ड इशू होगा उसके बाद आपके पास 10-15 दिन का टाइम होगा, तो उसके बाद आपका पीएसटी और पीटी होगा। तो पीटी के लिए आप तैयारी कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर फाउंड करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट विल हैव टू अंडरगो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट। तो आपका सब कुछ मतलब एप्लीकेशन ठीक रहा तो आपको फिजिकल और पीटी होगा। तो आपका एडमिट कार्ड इशू हो गया मतलब आपका सब कुछ ठीक है। तो पीएसटी और पीटी में आपका क्या होगा, इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड टू बी have any physical deformity detected by medical officer present in the selection board, he will see deviated from participating in other test। तो आपका उस टाइम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेडिकल टेस्ट भी होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम पाया जाता है तो आपको मतलब आपको हटा दिया जाएगा, आपका फिजिकल और पीएसटी नहीं होगा। तो आप देख लेते हैं कि आपका फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जिसको बोलते हैं इसके अंदर क्या होगा। ए प्रिपेयर्ड स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ऑफ मेजरिंग हाइट चेस्ट एंड वेट शैल बी यूज। तो इसमें पीएसटी में आपका हाइट होगा एक नंबर, दो नंबर चेस्ट होगा और तीन नंबर वेट होगा, ठीक है। इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ही और सी रिजेक्टेड एंड रिजेक्शन स्लिप विल बी इशू। यदि आपका हाइट जो मैंसन किया गया है उसमें आपका हाइट नहीं आता है या फिर चेस्ट वेट नहीं आता है तो आपको रिजेक्शन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको रिजेक्शन स्लिप मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए कितना आपका हाइट कितना चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपका हाइट मिनिमम कितना चाहिए देख लेते हैं। तो हाइट आपको मेल के लिए यहाँ पर दिया है, जनरल और ओबीसी के लिए मेल के लिए जनरल ओबीसी और एससी के लिए आपको हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, और वहीं फीमेल के लिए 144.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 144.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए चाहिए। और एसटी हिल्स और एसटी प्लेन्स के लिए 160 चाहिए फीमेल के लिए, और फीमेल के लिए 142, ठीक है। तो दोनों के लिए वैकेंसी आया है, मेल फीमेल के लिए आप सभी को पता होगा, फीमेल के लिए 142। अब बात कर लेते हैं चेस्ट के लिए, तो चेस्ट ओनली मेल का होगा। तो इसमें आपको ओनली फॉर मेल सर्कमफ्रेंस मेजरिंग नॉट लेस देन 81 सेंटीमीटर ऑफ एन एक्स हेल। तो आपका जब एक्सपांसन होगा तो 81 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कितना भी हो लेकिन एक्सपांसन होने के बाद आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये चेस्ट के बारे में है। और वेट तो आपका हाइट के अनुसार होगा, 50 या 45 जो भी हो आपका हाइट के अनुसार आपका वेट होगा। तो वेट में तो मैक्सिमम आदमी का हो ही जाता है, तो चेस्ट और आपको हाइट तैयार करना है, ठीक है, चेस्ट और हाइट तैयार करना है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट होगा फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, तो पीईटी जिसको बोलते हैं। कैंडिडेट हु क्लियर पीएसटी, जिसका पीएसटी क्लियर हो गया विल बी अंडरगो पीईटी, आरएफआईडी विल बी यूज फॉर दिस इवेंट। मतलब आपको जो क्या बोलते हैं सीसी कैमरा वही यूज होगा। पीईटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, रेस में क्या क्या होगा। कैंडिडेट हु क्लियर पीएसटी विल हैव टू पार्टिसिपेट 600 मीटर और 1200 मीटर, मेल के लिए 1600 मीटर और फीमेल के लिए 1200 मीटर दौड़ना पड़ेगा। मेल फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए 1600 मीटर और फीमेल के लिए 1200 मीटर रिस्पेक्टिवली विच इज़ टू बी कम्प्लीटेड विद इन 6:30। तो आपको ये जो रेस कम्प्लीट करना है 6:30 के अंदर 1600 मीटर कम्प्लीट कर लेना है। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना है, अगस्त लास्ट वीक में एडमिट कार्ड आएगा तो लगभग 1 मंथ पकड़ सकते हैं, अभी आपके पास समय है। तो 6:30 में आपको मेल या फीमेल दोनों को इतना समय में आपको रनिंग कम्प्लीट कर लेना है, 1200 या फिर 1600। कैंडिडेट हु कम्प्लीट द रेस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल अवार्डेड मार्क रिस्पॉन्डिंग टू देयर टाइम टेकन बाय हर। उसके बाद इससे कम में आ रहे हैं तो आपको मार्क भी मिल जाता है। कैंडिडेट हु डू नॉट कम्प्लीट द रेस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम सेल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। तो जो टाइम है 6:30 के अंदर आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले जब आते हैं तो आपको मार्क भी मिलेगा, देख लेते हैं कितना कितना मार्क है। तो देखिए 1600-1200 मीटर रेस के लिए यहाँ पे मार्क है,
मैक्सिमम मार्क 15 है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क 15 मार्क उठा सकते हैं, और कम से कम आपका 8 मार्क मिलेगा, यानी 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आ रहे हैं तो आपको 8 मार्क मिलेगा मिनिमम, ठीक है। और 5 मिनट से पहले आ रहे हैं, 5 मिनट या फिर 5 मिनट से लेस आ रहे हैं तो आपको 15 मार्क मिलेगा, यानी 5 मिनट के अंदर आप आ रहे हैं तो आपको 15 मार्क मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 15 मार्क आपको मिलेगा यदि 5 मिनट और 5 मिनट से कम में आप रनिंग कर पा रहे हैं तो। तो कोशिश कीजिए जितना कम ज़्यादा ज़्यादा मार्क मिले वो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये रहा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं, और कुछ है यहाँ पे, द PST NPT इवेंट विल बी अंडरगो CCTV कवरेज, सो CCTV कैमरा होगा, आप सभी लोग बाद में देख भी सकते हैं चाहे तो। द कैंडिडेट हु क्लियर PET विल सब्जेक्टेड टू बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद जिसका दोनों हो जाएगा उसके बाद बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगा। रिजल्ट ऑफ PST PT विल बी लोकली डिस्प्ले एट द एंड ऑफ द डे ऑफ टेस्ट, तो आपका दोनों का रिजल्ट है किसका क्वालिफाई हुआ है उस दिन का लास्ट एंडिंग, मतलब जिस दिन हुआ है उसका लास्ट दिन या फिर नेक्स्ट दिन आपको दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा। कैंडिडेट हाउएवर शैल हैव टू क्लेम टू राइट टू अपियर रिटन टेस्ट मेयरली ऑन द ग्राउंड डे सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड PST PT आफ्टर कॉम्पिटिशन ऑफ PST PT ऑल द कैंडिडेट मेरिट लिस्ट ऑफ इच कैटेगरी यू आर बोथ मेल फीमेल विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क स्कोर इन PT, तो जिसका जिस हिसाब से मार्क मिला है उसका हिसाब से आपका PST PT का मार्क अपलोड हो जाएगा। कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर रिटन टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ रेट ऑफ 10 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट अलॉटेड बाई रिस्पेक्टिव इन एंड रिजर्व बोथ मेल एंड फीमेल, तो जितना भी वैकेंसी है उसका 10 टाइम्स आपको कैंडिडेट को मतलब कॉल लेटर दिया जाएगा, किसके लिए, आपका जो रिटन टेस्ट उसके लिए। तो वहाँ पे यहाँ पे दिया वही, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइंग टर्न्स 10 टाइम्स 15 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट ऑल क्वालिफाइंग कैंडिडेट बट नो अदर विल बी कॉल फॉर रिटर्न टेस्ट, यदि इससे कम हो रहा है तो आपको रिटर्न के लिए नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप अटेंड करने के लिए। इफ़ देर आर कैंडिडेट स्कोरिंग सेम मार्क इन PET इन द लास्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द रिटर्न टेस्ट बाई 10 टाइम्स 15 टाइम फॉर्मूला, मतलब आप यदि दोनों आदमी का सेम हो जा रहा है तो उसमें भी आपको कुछ अच्छा मतलब तरीका है जिसको वो लोग फॉलो करके आपका कॉल लेटर देंगे। तो वो तो बात का बात है, आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको फिजिकल और PST में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क उठाना है। रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन वन डे, द डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिटर्न टेस्ट विल बी नोटिफाइड लेटर, तो PST के बाद आपका PST PT के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, तो रिटर्न टेस्ट कर लिए आपका बाद में उसको नोटिफिकेशन मिलेगा और बाद में आप एडमिट कार्ड उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपना आप रिटर्न PST और PT का तैयारी कर सकते हैं, और फाइनली उसके बाद आपका रिटर्न होगा। तो रिटर्न के कैसे प्रिपरेशन करना है, जैसे ही एडमिट कार्ड आउट होता है उसके बाद मैं बताऊंगा, और ऑफिशियली जैसे ही एडमिट कार्ड आउट होगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, या अनऑफिशियल है लेकिन आपको विश्वास करना है तो कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट इस नंबर पर कर सकते हैं हेडक्वार्टर में। तो मैं सोचा एक वीडियो बना देते हैं, इसलिए आपको तैयारी कैसे करना है इसलिए मैं बना दिया हूँ। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर सकते हैं, और अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। 1 मंथ का टाइम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 महीना का टाइम आपके पास है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।